हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोगों का है सेकेंड डे, जो कि हम लोग हैं चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में आज शाम की ट्रेन है ना, वैसे तो निकलना था, मतलब कल कल रात शाम में में निकलना निकलना था। था, बट निकल तो आज रहा है शाम के टाइम पे, और बारिश होने लगी है। यार हम बता, हम इनसे कह रहे खाना बना दो, भूख लग रही है। लेकिन यार नहीं, भाई, कल की थकान की वजह से मैं मन नहीं हो रहा कि कुछ भी बनाने का। यार सुबह इसको पराठे ठुसवा चुके हैं, उसके अरे बावजूद इसको पराठे भूख भैया लग रही। ठुसवाए, तुमने ठुसवाए। हाँ भूख मिटी भाई? भूख मिट गई। हाँ भूख मिट गई, मिट ठीक क्या, नहीं आ रही। है। नहीं आ रही भूख, नहीं लग रही अरे ना। हम बात कर रहे हैं, अरे यार, बोलो बोलो। ले अब इनसे कहो किससे, वो इधर कह रहे किससे, वो इधर कह रहे किससे। एक सेकंड लाइन करा दे। चलो भाई, तो मिलते हैं हम हाँ तो फिर लोग। मिलते हैं अभी अभी कुछ ही। देखो अगर घूमने के लिए जाते हैं तो एक आध क्लिप वहाँ की ले लेंगे, और ऐसा करेंगे कि इसको जो है दो ब्लॉक कर लेंगे। वो वाला जो कल का था वो कल ही रखेंगे, और ये वाला दूसरा, वरना बहुत लंबा हो जाता है, बोरिंग हो जाता है, तो अच्छा नहीं लगता। अच्छा भी नहीं लगता होगा आप लोगों को भी। हाँ बोलो। कुछ भी अगर रहता है तो दिखाने की कोशिश करते हैं, अगर नहीं रहता है तो आप लोगों को स्टेशन दिखाएंगे। स्टेशन बाकायदा आप लोगों ने पहले भी देखा होगा स्टेशन, बट इस बार फिर दिखाने की कोशिश करेंगे कुछ अच्छा सा, कुछ नेक्स्ट लेवल। और बारिश और ये बादल बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, कुछ ऐसे दिखाते हैं आपको। मेरे पीछे व्यू, और सौरभ भाई घूम रहा है ऐसे ही। घूम क्या रहा, अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा। और कल जितना, मतलब कल जितनी जो है, मतलब गर्मी और धूप लग रही थी दिमाग पे ना, उतना ही अच्छा फील हो रहा है अब। बारिश हो रही है तो और भी मजा आ रहा है। अरे गुड न्यूज भी है, क्या आज गुड न्यूज? मेरा दिमाग ठीक है। हाँ शायद अभी अभी कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ये ट्रेवल के टाइम पे इसका दिमाग इधर का उधर हो जाता है। तो संजय भाई क्या बनाओगे अब? तैयारी तैयारी आलू भाई काट रहे हैं, आलू साफ हो गए। जल्दी करो। प्याज काट लिया? प्याज काट लिया भाई, कहाँ रखा है? जल्दी बनाओ यार, भूख लग रही है। कहाँ रखे हैं चावल यार? चावल नहीं मिल रहा है। ढूंढो, टास्क यही है, चावल ढूंढो। काय का टास्क यही है, इसे यहाँ पे रख दे, इसे करके चावल ढूंढते हैं। अबे खोलो भाई से। ओ लो, लड़कियों वाले हाथ है क्या? अरे नहीं खुला यार। अबे खोल दिया था आपने, हट क्यों उठा? अरे इसमें चावल नहीं है, इसमें तो नहीं, वाटर कूलर में तो नहीं रखते ये लोग। ये हाले लग भी रहे चावल, डालो फिर इन्हें पकड़ो। जली ना? जली तेरी भी जली ना? हमें लग रहा बुद्धि अभी ठिकाना नहीं है मेरी। हमने हमने तो वादा कर दिया, वादा कर दिया हमने, पक्का इरादा, देश से अपने वादा। अब पता भी नहीं आ रही कितने बढ़ते हैं यार। फोन करके पीडीएस पूछ लो, ये चावल है ये धनकी है? हमें नहीं पता यार। यार ये सारा टूटा हुआ चावल है ये तो? ये नहीं है यार, ये सारा मजबूत चावल लग रहा था। थोड़ा दो दो, थोड़ा खा के देखो उसको। ठीक यही है यार, यही होगा यार। अरे दूसरे किचन में घुस के खाना बना रहे हो, कुछ पता भी नहीं कहाँ कहाँ है। इतने में हो जाएगा? अबे और डालो यार, फिर बाद में पता चला कि तुम कहोगे यार तुम तुम्हें तुम्हारा पेट नहीं भरा। और डालो, सारे डाल दे। अरे डालो यार। ठीक 15 मिनट में मौसम पूरी तरह से साफ हो गया, क्लीन। फिलहाल ये है मौसम जो अच्छा हो गया एकदम से, इतना वो लग नहीं रही गर्मी टाइप की।
हम लोग चंडीगढ़ पहुंच गए और अभी हम लोग जा रहे हैं रेलवे स्टेशन के लिए। तो रेलवे स्टेशन पे यहाँ से समथिंग हुआ है, कितना किलोमीटर है? 3 किलोमीटर ना? तीन किलोमीटर। और आज बारिश हो गई थी दिन में, तो यहाँ पे बारिश का पानी भरा हुआ। अपने यहाँ कोई भी रूल फॉलो नहीं करता, लेकिन यहाँ सारे रूल फॉलो करते हैं। अगर रूल नहीं फॉलो करेंगे ना, तो इन सबका चालान कटेगा। जी तोड़ देंगे। क्या कटेंगे? जी तोड़ देंगे वो। अच्छा, बाकी समझ जाओ। चंडीगढ़ में आके हम लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं ऐसे। जेब्रा क्रॉसिंग है नहीं, तो बिना जेब्रा क्रॉसिंग के ही क्रॉस कर रहा है। वो भाई कितना खूबसूरत मौसम है पीछे से। अगर नाला हो ना तो ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे बीच में कुछ ऐसा सीन। क्या बता रहे संजय भाई? बोलने अगर नाला हो ना तब भी ऐसा हो। चलो फाइनली हम लोग पैदल लुढ़कते पुड़कते चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंच ही गए। और कुछ ऐसा बेवकूफी कर दी। आई थिंक ट्रेन भी आ चुकी है। हम लोगों ने ऑनलाइन टिकट बुक कर चुके हैं, तो हम लोगों को लाइन में नहीं खड़ा करना पड़ेगा। हम लोगों की ट्रेन आ चुकी है, तो भागना पड़ रहा है क्योंकि ट्रेन अपनी ट्रेन। टाइम हो रहा है 8:45 और अभी तक हम लोग हैं मुरादाबाद, मतलब मुरादाबाद ही पहुंच पाए। ये ट्रेन इतनी इतनी स्लो है यार, क्या बताएं, जहां तक खड़ी हो जाती है। इतनी शरीफ ट्रेन है, और उनसे कहते रुको, हम रुके जा रहे हैं, तुम निकलो। मर्जी के हिसाब से चलते। क्या मर्जी के हिसाब से चला रहा है? अरे मर्जी के हिसाब से क्या चला रहा है, वो उसे वो नहीं मिला ना, सिग्नल नहीं मिला। आगे कोई गाड़ी रहती है, और इसके आगे गाड़ी और चल रही है, बस उसके पीछा उसका पीछा कर रही है। हाँ तो संजय भाई, मत पूछो, हम ना सो चुके हैं। क्या सोच? अरे यार, इनने ऊपर लेट के ना खूब मौज मारी है। ये तक नहीं कहा, मेरे भाई आ जाओ, तुम आराम कर लो आके। इतना मतलब इतना एहसान फरामोश आदमी। अरे यार मेरे भाई, बात है, हम दोस्त हो क्या, हम तुम्हारी मतलब जो है नींद में खलल नहीं डाल सकते। तुम्हें तो कहना चाहिए था, इसी में डूब मरो जाके तुम ना भाई। डाल देंगे पत्थर, हम बांध देंगे, डूबोगे भी नहीं। तुम्हारे बता रहा है, इतना गहरा ही नहीं है। इतना गहरा नहीं है। अरे पत्थर बांध के डालेंगे सर में, पत्थर बांध देंगे, इधर डालेंगे, इधर इधर ज्यादा गहरा है। तो मोटू लाला क्या क्या खाया? समोसे और समोसे कितनी बार खाया? समोसे खा रहे हैं, छोले भटूरे खिलाए थे। हाँ छोले भटूरे याद आ गया, तो मैंने खिलाया था, गंदे थे, इतने आलू पड़े हुए थे। मतलब एक तो खिलाओ और ऊपर से कहो गंदे थे। अरे वैसे तो जिन जो मतलब जो ट्रेन होती हैं वो अपने स्टॉप पर ही रुकती हैं, लेकिन इसका क्या सीन रहा है, ये साली कहीं पे भी खड़ी हो जा रही। उठा के देखा, फिर खड़ी हो गई, खड़ी हो गई, रुक गई। इसी में हम लोगों ने एक रिस्क ले लिया है, इसीलिए रिस्क ले लिया कि अगर मतलब 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर पहले भी अगर शाहजहांपुर स्टेशन से रुकती है गाड़ी तो हम लोग उतर जाएंगे। सिंपल सी बात है, नहीं रुकती है तो अगले स्टेशनों पर कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे हम लोग देखने को। अब देखते हैं फिर क्या रहता है। रिस्क लेके किसी बंदे की अगर फटती हुई फिर देखना चाहते हो तो सौरभ भाई की देख सकते हो, कैसी फट रही है बिल्कुल। जहाँ पे रुकी वहाँ पर पहुँच जाएंगे, तैयारी फुल है, तैयारी फुल है, देख रहे हो, कॉन्फिडेंस देखो, डर के आगे जीत है। और डर भी ऐसा वैसा नहीं, अगर नहीं ट्रेन रुकी तो डायरेक्ट लखनऊ, मेहनत करनी है, पानी पी ले। हाँ
रिस्क हो गया सक्सेसफुल, हम लोग कटरा पहुंच गए, शाहजहांपुर नहीं उतरे क्योंकि शाहजहांपुर तक का मुझे नहीं लगता था कि शाहजहांपुर रुकेगी। ये वाली है और ये सामने जो ट्रेन खड़ी है वही है, यहाँ से समथिंग 30 होगा पैदल। अरे दादा, सो अभी हम लोग इस रोड पे चल रहे हैं क्योंकि इस ट्रेन से उतर के आए। ट्रेन से उतर गए और अब हम लोग पकड़ेंगे जाके बस या ऑटो, जो कुछ भी होगा वो हम लोग पकड़ लेंगे। ये जो है ना बस तो यार हम लोग देखो आ चुके हैं घर पे। कल काफी ज्यादा दिक्कत हुई आप और लेट भी हो गए थे काफी, तो अब हम लोग जरा अपने काम से जा रहे हैं, तो फिर इस वाले ब्लॉग को है यहीं पर एंड करते हैं। और बाकी बाय बाय टाटा, जल्दीबाजी है थोड़ी सी, बाकी निपटते हैं अगले वाले ब्लॉग में, अच्छे से बनाएंगे उसको और भी ज्यादा। बाय।